नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज हम जिस कलाकार को आमंत्रित करने जा रहे हैं उनकी दो बड़ी पहचान है। एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मराठी संगीत भाव संगीत में बड़ा नाम है, और दूसरा वो भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के चहेते शिष्यों में रहे हैं। मैं बेहद विनम्रता से स्वागत कर रहा हूँ पंडित आनंद भाटे जी का। नमस्कार शैलेंद्र जी, और रागगिरी के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आनंद जी, मैं इंटरव्यू का जो सबसे जटिल प्रश्न हो सकता है वही सबसे पहले पूछ लेता हूं आपसे, और वो प्रश्न ये कि जब कोई आपका परिचय ऐसे कराए कि आप पंडित भीमसेन जोशी के सबसे चहेते शिष्यों में से हैं, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? या इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देखते हैं, या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर, या फिर दोनों ही तरह से? इसमें जिम्मेदारी और कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे दोनों फैक्टर्स है, क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो शिष्य के लिए ये आनंद देने वाली बात तो है ही, और शिष्य को पता चलता है कि ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक थर्ड फैक्टर है कि वो जो मोटिवेशनल फैक्टर है, क्योंकि गुरु जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं शिष्य को तो वो एक प्रकार का मोटिवेशन रहता है शिष्य के लिए, और रियाज करे और प्रयास करे। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट्स, जिम्मेदारी और मोटिवेशन। अच्छा आनंद जी, आप अगर हमारे रागगिरी के YouTube पर आएंगे और आप देखेंगे कि हम जब भी अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं तो गुजारिश यही करते हैं कि किसी भक्ति संगीत से बातचीत की शुरुआत हो, तो आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, कुछ हमें सुनाइए भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ जो आपको अच्छा लगता हो, आपके दिल के करीब हो। जरूर, संत मीराबाई की एक रचना है, उसकी झलक दिखाता। माय में गोविंद लीनो अगर हम
आप में जो संगीत के संस्कार आए उन पर जाएं और उसकी कहानी सुनना चाहें। और आपके तो ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे भाटे बुआ जी, उनसे परंपरा दरअसल शुरू हुई, तो इस समृद्ध परंपरा से हमें परिचित कराइए। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे भाटे बुआ के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और वो खुद एक बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर, बहुत अच्छा ठुमरी भी गाते थे वो, और नाट्य संगीत गाते थे और खुद संगीत नाटक में काम भी करते थे। तो इसलिए क्लासिकल म्यूज़िक और नाट्य संगीत की एक परंपरा चलती आ रही है हमारे घराने में थ्रू जनरेशंस। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गाते थे, उन्होंने मैं जब मुझे बचपन में थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू शुरू में सिखाया भी है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। और हालांकि वो परफॉर्मर नहीं थे, महफिल में तो नहीं गाते थे, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ थी, स्पेशली नाट्य संगीत और बालगंधर्व के नाट्य संगीत के बहुत वो एक भक्त थे और उनके गाने बहुत अच्छी तरह से गा सकते थे। तो ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके थ्रू आउट द जनरेशन से क्लासिकल म्यूजिक और नाट्य संगीत की परंपरा हमारे घर में ऐसे चलती आ रही है। अच्छा आनंद जी, मैं इस इंटरव्यू से पहले जब इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था और आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज देख रहा था, तो उसमें मुझे एक प्रसंग मिला जिसमें आप ये बता रहे थे कि बाल गंधर्व आपके घर आते थे, ऐसा आपको बताया गया था। तो इस किस्से को, इस ये जो आपके बुजुर्गों ने आपको ये किस्सा बताया होगा, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको हमें बताएं, क्योंकि बाल गंधर्व तो भारतीय नाट्य संगीत, भारतीय रंगमंच का बहुत ही बड़ा नाम थे। कैसे उनका आना जाना था आपके परिवार में, वो कैसे याद करते हैं, वो क्या बताया गया है आपको? बाल गंधर्व जी और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भाटे बुआ जी, ये दोनों कॉन्टेम्पररी थे, एक ही जमाने के थे और दोनों ही संगीत नाटक में काम करते थे, उनकी खुद की कंपनियां थी संगीत नाटक की। तो उस वो जमाना ऐसा था, मुझे बताया गया है कि उनका, बाल गंधर्व जी का हमारे घर में भी आना जाना था। वो दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस को तो जाते ही थे, और मुझे ऐसा बताया गया है कि बहुत एक रिस्पेक्टफुल उनकी रिलेशनशिप थी। बाल गंधर्व जी एज यू सेड इज अ लेजेंड, तो भाटे बुआ जी को उनके प्रति बहुत आदर था, बहुत सम्मान था, और बाल गंधर्व जी भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बोलते थे कि आप भी रंगमंच पे बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आई थिंक उनका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा एक दूसरे के प्रति सम्मान भरी रिलेशनशिप थी। अच्छा आनंद जी, मैं अब और आगे बढ़ूं इससे पहले गुजारिश यही करूंगा कि कोई एक राग जो आप हमें सुनाना चाहें जो आपके दिल के करीब हो। जरूर, मेरे गुरु पंडित भीमसेन जी ने खुद तैयार किया हुआ एक राग है कलाश्री, जिसमें रागेश्री और कलावती ये दोनों रागों का मिश्रण है। तो कलाश्री में एक बंदिश की झलक प्रस्तुत करता हूं। Re 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 no धन धन तान से
शुरू किया था हमने पंडित भीमसेन जोशी जी से, तो उनके पास तक पहुंचने से पहले भी तो आपके गुरु रहे होंगे, उन गुरुओं के बारे में हमें बताइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे सभी गुरु बहुत आदरणीय और वंदनीय मिले। मेरे पहले गुरु थे चंद्रशेखर देशपांडे जी, बालगंधर्व के ऑर्गन वादक श्री हरिभव देशपांडे के सुपुत्र चंद्रशेखर देशपांडे। तो मैं जब बहुत बचपन में उनके पास गया, मैं बहुत छोटा था तब। घर में जैसे मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि मुझमें थोड़ा बहुत स्वर ज्ञान है, तो उन्होंने मुझे देशपांडे सर के पास भेजा। तो उन्होंने मुझे बालगंधर्व के सब गाने, उनकी गायकी बहुत अच्छी तरह सिखाई। और एक छोटे बच्चे को जैसा सिखाना चाहिए उनका, उसका वो एक एग्जांपल थे, बहुत अच्छी तरह से मैं उन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरे छोटे मोटे फिर इनफॉर्मल कॉन्सर्ट्स भी हुआ करते थे उस टाइम। तो उसी दौरान टीवी पे भी मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ था नाट्य संगीत का। तो ये सब परफॉर्मेंस का जो बेसिक फाउंडेशन था, तो वो चंद्रशेखर देशपांडे सर ने मुझे सिखाया था। और जैसा मैंने नाट्य संगीत सीखना चालू किया, वैसा ही एक दो बरस में मैंने क्लासिकल सीखना भी चालू किया, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल म्यूजिक एज वी नो। तो कोई भी गाना गाना है तो शास्त्रीय संगीत की बैठक बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्रीय संगीत में मेरे पहले गुरु थे पंडित यशवंत बुआ मराठे। उन्होंने
राग संगीत क्या होता है, अलग अलग राग कैसे गाए जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कैसे होते हैं, तो इस प्रकार का शास्त्रीय संगीत का सब फाउंडेशन मेरा तैयार करके ले लिया। और एक बहुत मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो मुझे दी, जब वॉइस ट्रांजिशन का फेज रहता है तो उस ट्रांजिशन फेज में बहुत अलग किस्म का रियाज करना पड़ता है, जैसा खर्च का रियाज है, ओंकार साधना है, तो वो जो 3-4 बरस रहते हैं वो एक गायक के आयुष्य में बहुत ट्रिकी रहते हैं। तो उस ड्यूरेशन में एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिलना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, और मराठी गुरु जी ने मुझसे वो सब तालीम करके ले ली। तो मैं सदैव ऋणी रहूँगा देशपांडे सर का और मराठे सर का, जिन्होंने मेरा बेसिक फाउंडेशन म्यूजिक का तैयार किया, विच एक्चुअली एनेबल्ड मी टू गो टू पंडित भीमसेन जी लेटर। और फिर इसका अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मेरा यही है कि फिर पंडित जी के पास जब आप पहुंचे, किस तरह से वो तैयार हुए, क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या आपको याद आता है, ये जरा बताइए कि कैसे वो जो गुरु शिष्य परंपरा या कैसे शागिर्द बने आप उनके, इसका किस्सा हम जानना चाहेंगे। पंडित भीमसेन जी का गाना मैं बचपन से सुनता आ रहा था और मेरे मन पे बहुत इफेक्ट कर गया था उनका गाना उस एज में भी। और मैं जब बचपन में बालगंधर्व जी के नाट्य संगीत गाता था, तब भीमसेन जी के घर जाके उनको मैंने एक दो गाने सुनाए थे, तो भीमसेन जी खुद बालगंधर्व जी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और जैसा गुरु के स्थान पे ही मानते थे उनको, तो इसलिए उन्होंने बचपन में जब मैं उनके घर में गया था तभी बहुत प्रोत्साहित मुझको किया था। और बाद में जब मैं उनके पास गया, मैं 17 वर्ष का था और पिताजी मुझे लेके गए उनके पास, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी संगीत सीखना है और आपसे ही सीखने की बहुत इच्छा है, तो उन्होंने थोड़ा सोच लिया। मैंने उन्हें वहाँ तक जो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा था तो वो उनको गा के दिखाया। मुझे याद है मैंने राग ललित में कुछ ख्याल और द्रुत बंदिश उनको गा के सुनाई थी, तो एक दो दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और वो बोले कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ तालीम अच्छी होने से पहले प्रोग्राम्स के पीछे दौड़ना नहीं है, तो ये अगर तुम्हें ओके है तो तुम आ सकते हो। तो मेरे लिए वो तो बहुत छोटी बात थी, प्रोग्राम उस टाइम करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, पंडित भीमसेन जी के पास से सीखने को मिलना, जिनको मैं बचपन से आइडॉल मानता आ रहा था, तो उनके पास से डायरेक्ट सीखने की जो मुझे अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो मेरे म्यूजिक करियर का एक टर्निंग पॉइंट था कि जब भीमसेन जी ने मुझे डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। अच्छा आनंद जी, अब पंडित जी की इतनी बात चल रही है और पंडित जी तो किराना घराने के मतलब बड़े नामों में से बहुत बड़े नामों में शुमार रहे हैं, तो प्रश्न तो छोटा सा ही है, गुजारिश बड़ी है, किराना घराने के बारे में कुछ बताते हुए, कुछ उसकी खासियत बताते हुए, कोई एक ऐसी चीज जो आपके गुरु के मार्फत आपको बहुत पसंद आती हो या जो आपने आपके गुरु को बहुत पसंद रही हो, गुरु से मेरा आशय पंडित जी से ही है, कुछ ऐसा सुनाइए और उसके बारे में जरूर बताइएगा अपने घराने के बारे में। देखिए, किराना घराने की जो गायकी है वो स्वर प्रधान गायकी ऐसा माना जाता है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि लय और ताल को कुछ महत्व नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन सुर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तानपुरे के साथ अपना सुर मिला लेना, जैसे कि
तानपुरे से वो एक रूप अपना सुर हो, तो इस एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और सुरों का इफेक्टिवनेस, जैसा भीमसेन जी ने भी उनके इंटरव्यू में वो बोला करते थे कि उन्होंने जब अब्दुल करीम खान साहब का गाना पहले सुना तो वो जो इफेक्ट उनके मन पे हुआ तो उनके मन में बैठ गया कि मुझे ऐसा गाना है। तो ये जो सुरों का इफेक्टिवनेस है वो किराना घराने की बहुत स्पेशलिटी है समझे लगता है। और पंडित भीमसेन जी के बारे में तो हम कहते ही हैं कि उनके सुरों का इफेक्टिवनेस यानी उनको स्वर सिद्धि प्राप्त थी। और जब वो सुर लगाते थे तो पहले सुर से ही जो वातावरण बन जाता था, तो आई थिंक वो किराना घराने की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी भीमसेन जी के गाने में थी। और वो स्वर सिद्धि का हमें बहुत बार एक्सपीरियंस होता था। और स्वर लगाव भी बहुत अलग अलग तरीके से वो करते थे। शास्त्रीय संगीत गाते वक्त अलग स्वर लगाव था, ठुमरी गाते वक्त अलग स्वर लगाव था। ठुमरी में भी जिस प्रकार की ठुमरी है उस हिसाब से स्वर लगाव बदल जाता था। तो इसमें मुझे याद आता है जोगिया की ठुमरी किराना घराने में बहुत फेमस है। खास साहब की भी रिकॉर्ड है, सवाई गंधर्व जी भी गाते थे, भीमसेन जी भी गाते थे। तो वो उसमें ये स्वर लगाव का एक वो उदाहरण है ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो जोगिया ठुमरी का पिया मिलन कियास, तो ये ठुमरी का मैं एक झलक दिखाता हूँ। मिलना के
प्यार के मिलने के ये प्रश्न जो मैंने आपसे अभी पूछा पंडित जी, उसकी वजह भी बता देता हूं। मैं जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया कि मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें मुझे एक किस्सा ये भी पता चला कि राग मियां की तोड़ी का कोई एक पीस है जिसको सुनने के बाद भीमसेन जी ने आपकी बहुत तारीफ की थी, और तारीफ तो बल्कि यूं की थी कि कहा था कि आप टॉर्च बेयरर हैं, आप आगे का रास्ता दिखाएंगे इस घराने के लोगों को और जो उनकी परंपरा है उसको आगे लेकर जाएंगे। ये घटना क्या थी, क्या कुछ याद करते हैं आप इसको? वो एक फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री थी, गुलजार साहब ने वो बनाई थी भीमसेन जी के ऊपर, और उसमें राग मियां की तोड़ी का एक ऐसा एक क्लिप उन्होंने लिया था कि वो मुझे सिखा रहे हैं, तो वो एक वो डॉक्यूमेंट्री का पार्ट था। और उसके बाद उनको वो डॉक्यूमेंट्री में पूछा गया था कि आपके शिष्य कौन कौन हैं, तो उस टाइम उन्होंने मेरा नाम लिया था और ऐसा बोला था कि ये आनंद है और मुझे इसके ऊपर भरोसा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात थी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे उनके पास से सीखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो मैं मेरे करियर की और मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और उसमें उनके जैसे गुरु ने जब गुरु जब बोलते हैं कि मुझे इस शिष्य पर भरोसा है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जैसा पहले मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्प्लीमेंट भी है, जिम्मेदारी का भी एहसास है और एक मोटिवेशन भी है। अच्छा आनंद जी, आपके इंटरव्यू में भीमसेन जी का अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा हिस्सा भीमसेन जी पर ही बातचीत हो रही है, और ये बातचीत बहुत दिलचस्प भी है क्योंकि जो हमारे 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 समकक्ष या हमारे बाद की पीढ़ी है वो बहुत मिस करती है, जिसने कि पंडित जी को लाइव नहीं सुना, वो देख नहीं पाए, तो कई बार इसको ऐसा लगता है कि वो हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन आपके मार्फत अगर हम समझ पाए, और मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये मेरी भी एक कॉमिक्स है, चूंकि रागगिरी एक संस्था के तौर पर हम लोग बच्चों में अपने जो महान कलाकार हैं उनकी अवेयरनेस को लेकर काम करते हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से हम ये कॉमिक सीरीज करते हैं जो मैं ही लिखता हूं, और मैंने भीमसेन जी पर लिखी है जो छप भी चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक गुरु के तौर पर तो हमने बहुत सारी बात की, एक इंसान के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर हमें कोई एक ऐसा अनसुना पहलू बताइए भीमसेन जी का, जो हम कह सकते हैं कि वो शायद एक शिष्य को ही सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो जान सके। मुझे लगता है कि पंडित भीमसेन जी जैसे एक सच्चे कलाकार थे, वैसे ही एक सच्चे इंसान थे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन एरोगेंट नहीं थे। जो कुछ दिल की बात है वो साफ साफ कह देते थे, तो कहने के लिए एक बात और दिल में कुछ दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उनके व्यक्तित्व से ही बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी। उनके कला के ऊपर जो श्रद्धा थी, निष्ठा थी, और गुरु के ऊपर जो निष्ठा थी, वो देखने मिलती थी हमें हर क्षण। मुझे याद है कि जब वो श्रीनिवास खड़े जी के कंपोज किए हुए कुछ भजन का एल्बम करने वाले थे, तब नए कॉम्पोजिशंस सीखने के लिए श्रीनिवास खड़े जी पंडित जी के घर में आके रहते थे, और पंडित जी खुद बहुत ऊंचे स्थान पर थे उस टाइम, लेकिन फिर भी जब कोई नया कुछ सीखने की उम्मीद फिर भी उनमें कायम थी, और जब वो नए कॉम्पोजिशंस खड़े जी से सीखते थे, जानकारी लेते थे, तब बहुत ऑनेस्टली करते थे। ऐसा नहीं था कि आप मुझे कुछ सुनाइए फिर मैं मेरे हिसाब से वो गाता हूँ, ऐसा नहीं था। तो श्रीनिवास खड़े जी को वो कॉम्पोजिशन में जो कहना है वो समझ के लेते थे, और खुद का समाधान होने तक और श्रीनिवास खड़े जी का समाधान होने तक वो रियाज उनका
चलता रहता था। तो वो एक बहुत देखने लायक चीज़ थी कि इतने बड़े स्थान पे होकर भी उनके पांव जमीन पे थे, और ये आई थिंक एक कलाकार की एक बहुत बहुत एक हर एक कलाकार में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एहसास मुझे उस टाइम हुआ था। आनंद जी, आपकी पढ़ाई भी बहुत, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर साइंस, यानी एक तरफ विज्ञान के बड़े बड़े इक्वेशंस और दूसरी तरफ ताने और पलटे और राग, ये कॉम्बिनेशन कैसे था? और इसको अभी तो नहीं, अब तो बहुत वर्ष हो गए आपको, लेकिन जब आप पढ़ रहे थे, जब आप ट्वेल्थ में थे, जब आपका करियर एक एक बनने की दिशा में था, तब कैसे आपने ये बैलेंस बिठाया था? हमारे घर में जैसा गाने का एटमॉस्फेयर था, वैसे ही एकेडमिक्स का भी एटमॉस्फेयर था। मेरी माँ मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी, और इसलिए गाना और स्कूल का जो शिक्षा थी मेरी स्कूल की, तो वो पैरेलल चलता था जब मैंने बचपन में गाना सीखना चालू किया। और घर में ऐसे संस्कार थे कि दोनों में उतने ही एफर्ट्स करने चाहिए, और हालांकि गाने में मुझे वो दूरदर्शन के प्रोग्राम के बाद बहुत बहुत फेमस हो गया था मैं एक एक पॉइंट पे, लेकिन उस टाइम भी संस्कार ऐसे थे कि जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक मैंने वो दोनों पैरेलली चालू रखा। और जब मैं भीमसेन जी के पास गया, तब उन्होंने भी मुझे दोनों शुरू रखने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो बहुत एक बड़ी बात थी, उनका ओपन माइंड था इस बारे में। तो वो खुद लोगों को बोलते थे कि आनंद इनटेक कर रहा है और मेरे पास गाना भी सीख रहा है, तो उनको अच्छा लगता था, और उनके सपोर्ट के वजह से मैं ये दोनों चीज़ें पैरेलल कर सका। और बहुत बड़ी चीज़ है कि बचपन से लेकर अभी तक मुझे फैमिली सपोर्ट जो मिला है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी दोनों बहनें भी गाती थी, मेरे माँ बाप का सपोर्ट था ये दोनों चालू रखने के लिए। और बाद में मैं आईटी में सर्विस भी करता था जिनसार टेक्नोलॉजीज में, और अभी मैं फुल टाइम म्यूजिक कर रहा हूँ। तो ये जो सब ट्रांजिशंस है, तो जब सर्विस कर रहा था तब भी मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जाता था दोनों करने में, आईटी फील्ड और म्यूजिक दोनों टाइम कंज्यूमिंग फील्ड्स है। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी पूरा फुल टाइम गाने के फील्ड में आना है, तो ये जो सब मेरी जर्नी रही है, तो फैमिली सपोर्ट इज आई थिंक वन थिंग ड्यू टू विच मैं कर सका, एबल टू डू इट अप टू नाउ। आनंद जी, मैं आपका इंटरव्यू का जो मुझे सौभाग्य मिला है, इसमें अगर आपके नेशनल अवार्ड की बात ना हो, जो बाल गंधर्व फिल्म के लिए आपको मिला था, तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। वो तजुर्बा कैसा था? बाल गंधर्व जी जैसे लेजेंड के ऊपर इस जमाने में फिल्म बनना, यही बहुत बड़ी बात है, और इसका श्रेय सुबोध भावे को जाता है जिसका ये कंसेप्ट था, और उन्होंने खुद मेन भूमिका बाल गंधर्व जी की ये फिल्म में की है। और म्यूजिक डिपार्टमेंट में आई थिंक ये फिल्म की विशेषता ऐसी है कि परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण इस फिल्म में देखने को मिलता है। और इसमें 3-4 नए गाने हैं, उसके कंपोजर कौशल इनामदार है, आदित्य ओक सह संगीतकार है, और ये जो सब हमारी म्यूजिक डिपार्टमेंट की टीम बनी हुई थी, मुझे प्लेबैक देने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम एक पैशन से काम कर रहे थे कि बाल गंधर्व जी के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, तो उनका जो ग्रेटनेस है वो बरकरार रहे, हमारे वजह से उसमें कुछ कमी ना रह जाए। तो ये बहुत एक पैशन के साथ ये फिल्म हुई थी, और आज के यंग जनरेशन के हिसाब से अपना जो संगीत नाटक का ट्रेडिशन है, नाट्य संगीत का ट्रेडिशन है,
ये फिल्म के माध्यम से उनके तरफ वो पहुंचा, और बहुत लोग हमें अभी आके बोलते थे कि ये फिल्म देखने के बाद हम नाट्य संगीत अभी सुनना हमें हमने चालू किया है, अभी शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात ये फिल्म के माध्यम से हुई। और जो नेशनल अवार्ड के का आपने जिक्र किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो नेशनल अवार्ड से मुझे ऐसा लगा कि जो एक मराठी फिल्म में हमने किया था उसका नेशनल लेवल पे एक अप्रिसिएशन मिला, तो इसलिए वो नेशनल अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें तो वो अवार्ड मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि जो कुछ हमने किया है वो नेशनल लेवल पे भी उसका लोगों को अच्छा लगा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आनंद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आपके जरिए पंडित भीमसेन जोशी को जो हमें समझने का मौका मिला, हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। आपको राजगिरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार पुनः ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप रागगिरी के माध्यम से क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका अभिनंदन, और फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।